हरे कृष्ण और धर्म वालों, तुमके तुम्हारे व्यास जी ने कितना ऊंचा धर्म दिया तुमको पतिव्रता साधकता, और तुम बनते हो पादरी नाल, धनी तुम्हारे बांके बिहारी, और पूजा करते हो गणपति गणेश की, तो तुम सुहागे नाल नहीं हो, तुम तो वैश्वी पादरी नाल। क्यों पतिव्रता साधन का अर्थ क्या है? ये जो अपने धनी के बिना दूसरे की ओर देखे भी नहीं, उसको कहते हैं सौभाग्य। अब इस मैदानी युद्ध के अंदर ये सारी माया जो है, ये रणभूमि है ब्रह्मस्थितियों की, और युद्ध किसके साथ करना है? माया के साथ। अब स्वामी जी कहते हो मेरी परमधाम की सुहागिन नारो, अब सुहागिन सोई धाम में। कौन सुहागिन है? जो कर सी इधर रोशन, किसको रोशन करना है? किसको रोशन करना है? उसको रोशन करना है जिसको सारा संसार खोज रहा था, पर किसी को भी औखान नहीं हुई है, उसकी औखान जो करावे, माया के बंधन जो छुड़ावे, वो कौन है? सुहागिन नारा। और जो खुद बंधने पड़ा है, वो दूसरे के बंधन क्या कटेगा? बंधने तो वही छुड़ा सकता है जो बंधन से मुक्त खड़ा है, और जो काला ग्रह के अंदर स्वयं बंध में है, वो दूसरे बंदी ग्रह में जो रह रहा है उसको कह के भाई चिंता ना करो, मैं तुमको छुड़ाऊंगा। अरे तू तो खुद बंधन के अंदर है, तू उसको क्या मुक्त करेगा? इसीलिए तो दुनिया राह देख रही थी किसकी, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जबकि सब दुनिया राह देखत, और वो दुनिया किसकी राह देख रही थी? मुक्त देशी ब्रह्मांड को कौन मुक्ति देगा? आए ब्रह्म आत्म सत्य, वो परम धाम की ब्रह्म आत्माएं जो है, वो संसार को त्रैगुण फांस के फंदों से छुड़ा कर, आवागमन के चक्करों से छुड़ा कर, असत्य की पूजा को हटा कर, मिथ्या के देवी देव के बंधनों से मुक्त करके, एक बार जो सब का किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, वेदों में ये नहीं लिखा कि वो जो एक बार ब्रह्म है वो केवल प्रणामियों का है, ये किसी मंत्र में नहीं लिखा। कुरान में ये नहीं लिखा कि वो जो एक कुल सब का परमात्मा अल्लाह होगा वो खाली प्रणामियों का होगा, ये नहीं लिखा। वो सब का है, पर थोड़ा सा अंतर क्या है कि इन सब शब्द के अंदर तीन प्रकार की सृष्टि आती, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। तीनों प्रकार की सृष्टियों ने आकर के मानव तन को धारण किया, और तीनों इस मिथ्या माया के अंदर थे। अब तीनों को माया भी चाहिए, क्योंकि माया के अंदर है, माया के बिना भी काम चलता नहीं है, और तीनों को उस पार ब्रह्म की जरूरत है। तो इसका भी झगड़ा स्वामी जी ने किया है कि ब्रह्म सृष्टि का आया तो एक ही पार ब्रह्म है, ईश्वरीय सृष्टि का भी वही है और जीव सृष्टि का भी वही है, पर थोड़े से संबंध के अंदर, रिलेशन के अंदर कुछ अंतर। ब्रह्म सृष्टि का संबंध जो है वो केवल आत्मा से है, ईश्वरीय सृष्टि का संबंध आत्मा से तो है, लेकिन उनको शुद्ध जो है प्रधान की वो नहीं है, और ये सृष्टि जो है उनको जो है आत्म की शुद्ध ही नहीं और आत्मा की मालक की भी शुद्ध नहीं है, उनको ये शुद्ध ज्ञान कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो इस ज्ञान के पात्र ही नहीं हो सकते। सुन के विश्वास अवश्य ला सकते हैं, और जो जिन्होंने और एक बार नंबर यकीन लिया और तो लिया भी सागर से पार मुक्त होगा, और ये शक्ति पार ब्रह्म शादी के बिना किसी के अंदर। अब उधर माया
तुम इस ज्ञान को जाहिर होने देना। अब इसलिए भाई जैसे कोई नाटक ड्रामा होता है तो सारे तो राजा नहीं बनेंगे, राजा भी बनेंगे, इस ड्रामे को पूरा करने के लिए कई वजीर भी बनेंगे, तो कई नौकर चाकर भी बनेंगे, तो कई भंगी भी बनेंगे, झाड़ू देने वाला काम करेंगे, तो उसके बाद कोई शत्रु भी बन के खड़ा होगा, तभी तो नाटक की लीला पूरी होगी। इस वास्ते माया के अंदर अब नाटक की पूरा लीला करने के वास्ते कोई जाहिर करेगा, दीपक को जलाएगा और कोई दीपक को जलाएगा भी तो सही। इसलिए उनके लिए भी धन्यवाद पैदा उनको इसलिए देते हैं कि वो हम लोगों को सदा सतर्क करते हैं, चौकस करते हैं और सावधानी से हमें आगे बढ़ने के लिए हमें सहारा बने हुए। इसलिए पहला प्रणाम उनके चरणों में कि वो कदम कदम पर हमें सावधान और सचेत करते हैं कि देखो खड़ा रहना, हम तुमको मार डालेंगे, गिराएंगे और हम चौकसी से हैं कि हमारा आशा एक उम्र मिलाने का है, वो भी हमारे साथी हैं, ये ब्रह्मांड भी हमारा है, इस दुनिया के सारे लोगों को मुक्ति श्री जी ने देनी है जो मेरा धाम का धनी है, सारे विश्व के वास्ते एक ब्रह्म सृष्टि का हृदय बनाया है जो सबको अपने हृदय में समाता है। क्यों ध्यान के साथ दरिया सागर जिसको अंग्रेजी भाषा में सी कहते हैं, उर्दू में समुद्र कहते हैं, ध्यान देना जरा, क्या सागर में नदी और नाले जाके समाते हैं कि नदी और नालों में सागर समाता है? सागर दरिया के पास ऐसा दिल होता है, देखो आज हमारे भारत सरकार ने करोड़ों अरबों रुपया का बजट बनाया है, किसको? गंगा जी को शुद्ध किया जाएगा, यमुना जी को शुद्ध किया जाएगा और अरबों करोड़ों रुपए खर्च भी कर रहे हैं, पर यमुना और गंगा जी तो शुद्ध है हुई नहीं, रुपया जरूर खर्च होगा। कभी किसी ने सागर को भी शुद्ध करने का बजट बनाया? क्यों भाई, जितने मर्जी गंदे से गंदे नाले उसमें डाल दो, जितनी मर्जी गंदी सी गंदी नदियां उसमें डाल दो, सागर वैसे का वैसा ही है, उसको गंदगी भी जाकर के पवित्र करती है और शुद्धि तो उसके अंदर होती, उसके जल के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो सर्व की गंदगी को हटा करके निर्मल बनाता है, उस पर गंदगी नहीं लगती जैसे सूर्य उदय होता है। तो गंदगी के ढेर पर भी सूर्य की किरणें पड़ती कि नहीं पड़ती? और उसको भी सुखा देता है, अग्नि उसके अंदर इतनी प्रज्वलित होती है कि वो गंदगी को भी सुखा करके निर्मल बनाता है और दूसरों को भी निर्मल करता है। परम धाम की ये जागरण समुद्र का सूर्य लाने वाले अक्षरा तेज है, इसमें किसी की गंदगी मिल नहीं सकती, ये तो सबको निर्मल स्वच्छ उज्जवल पवित्र बना करके भाव सागर से पार करने वाला कार्य श्री प्राणनाथ जी का जागनी अभियान है। अब उन्होंने ये कार्य करवाने के लिए मोर्चे के लिए आगे बढ़ाने के वास्ते अपने सुंदर साथ पवित्र बना करके ये जागनी अभियान का कार्य उनका किया हुआ, उनका किया हुआ, वही करने वाले, वही कराने वाले, उन्हीं की मेहनत से, उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं की प्रेरणा से हुआ, हो रहा और होता रहेगा। कभी भी ये कहना नहीं कि एक चुल्ली आई है तो चल नहीं, मेरा प्राणनाथ आया है और जागनी अभियान लाया है, उस कार्य को उन्होंने छठे दिन में मौन पर सुंदर सात पर सौंपा है। इसलिए अब सब योद्धा जो प्रधान से सुहागिन नारे उतरी हैं, उनको ललकार के प्राणनाथ कहता है आओ खेल खिलाड़ी का देखो अब मैदान में आकर के
त्रिकोण की मेहनत करते हैं ना, सारा दिन हमारे नौजवान चुपके पड़े। अरे खेल तो हो रहा है, पता नहीं कर बच्चे में और कहा, और वो कूद रहे हैं और नौजवान पागल हुए बैठे थे, वो शिक्षकों को फोन लो आउट हो गया, अब परमधाम के खिलाड़ी आए। क्रिकेट का मैच खेल कौन सा क्रिकेट मैच, उनकी शत्रुता में खड़ी है माया लेकर के उधर खिलाड़ी रहते थे। क्या कह रहा है, वही योद्धा होगा, कहलाने को तो सब सुहागिन नार यहाँ पर उतरी है, पर धाम में कौन सुहागिन होगा जो यहाँ से जीत करके चलेगा, वही तो योद्धा है, और जो यहाँ मार खा करके चलेगा वो पहले कई, वो हारी हुई टीम है, वो बस मार लेकर के अपना पसीना सुखाए, सिर होगा नीचे और वो करके बैठ के होंगे, पूछेंगे परम धाम में क्या हमारे सुहागे बिना अरे क्या करें, अरे तो ना करवाई जाए, जागृत हो जाओ, समझो हमारे धनी कौन है। अरे कौन धनी है, परम धाम की वाणी से नहीं, शास्त्रों को लो, गीता करो, आदर करो, नारायण करो, प्राण करो, बाइबल करो, पुकार पुकार के ग्रंथ कह रहे हैं, कह रहे पर ब्रह्म कभी भी अपनी आत्मा से जुड़ा हो नहीं, और माया कभी निकट बन के आ नहीं सकती, वो डरावने रूप बना बना करके जरूर तुमको डराएगी। अब जिनका यकीन अपने धनी पर विश्वास अटल अधिक और उदय के अंदर दृढ़ता है, तोल मोल दिल मन, जिनका दिल यकीन लेकर के खड़ा है उनके हृदय में प्राण राजी की गंध न होगी, अपने ध्यान धनी की जागृत बुद्धि के ज्ञान के सूर्यों का किरण प्रकाश होगा, और जिनके हृदय के अंदर माया है उनके हृदय में से हर वक्त छल कपट झूठ ठगना दुराचारी करना सुंदर साथ में विस्फोट समाज को दुखी करने के कार्य होंगे, उनको भी हमने अपने हृदय में समा, उनको भी अपने हृदय में लेकर के निर्मल बनाना है, उनसे भी दोष रोष नहीं करना, किसी प्रकार के बैर विरोध जगत के काम होते ब्रह्म सिद्धियों की ये काम नहीं है, क्योंकि झंडा गाड़ियों जिनको इन बातों की अभी सुध नहीं है वो अभी खेल के मैदान में उतरे नहीं है, वो अभी बैट्समैन बन करके कभी खड़े नहीं हुए हैं, खड़े होते हैं तो उनके करीम गोल भी उड़ा करते हैं, रन लेकर के भागना, चौके लगाने और सिक्सर बनाने, टीम को आगे ले चलना, तोल बोल दिल मत, दिल का मतलब क्या है, किसका दिल प्रकृत परवीन होता है, जिसको अपने धनी की पहचान और अखंड होती है कि मेरे बैक पर कौन खड़ा, जैसे युद्ध के अंदर सेना लड़ा करती है लेकिन जिस सेना को विश्वास होता है कि मेरे पीछे मेरी सरकार के पास, मेरी गवर्नमेंट के पास एटॉमिक शक्ति भी है, परमाणु शक्ति भी है, टैंक भी है, हर प्रकार के गोला बारूद भी है, जैसा जरूरत पड़ेगा धड़ाधड़ मारेंगे, तो उनका सदा कदम आगे को बढ़ता है, कभी भी वो भाग करके रणयुद्ध से वापस नहीं आया करते, या तो फिर मरा करते हैं या फिर ध्वजा को ऊंचा लहराया करते हैं। सुंदर साहब जी, हम इस मिथ्या जगत में आए हैं सत्य का ज्ञान लेकर, प्रेम की ध्वजा श्री प्राणनाथ जी की लेकर, चाहे कोई किसी धर्म को मानने वाला है, चाहे वो किसी देवी देव को मानने वाला है, श्री प्राणनाथ जी के मंत्र पर किसी का खंडन मंडन नहीं होगा, हम सबको सत्य का ज्ञान सुनाए, बार ब्रह्म की पहचान कराए, जो अनादि काल से माया युगों युगों से जीव प्राणी बेचारे जन्म लेकर के मरते रहते थे, फिर आवागमन के चक्कर में और फिर मौत के साथ जूझा करते थे,
श्री प्राणनाथ जी की ये दातुन वाणी, ये दातुन बुद्ध का ज्ञान, क्योंकि बाइबल के अंदर भी स्पष्ट कहा है, The God which relates only a one community is not a God. वो परमात्मा जो केवल एक छोटी समाज का या कुछ व्यक्तियों का या एक किसी छोटे रैंक का परमात्मा है किसी के पास, वो कभी भी पार ब्रह्म नहीं, पार ब्रह्म तो सबका एक है। हिंदुओं का भी वही है, सिखों का भी वही है, जैनियों का भी वही है, स्वामी नारायण वालों का भी वही है, पर वो लोग भ्रमित जो होकर के किसी व्यक्ति को यदि अक्षर सहितानंद इत्यादि बना करके मानते हैं, हम उनका भी आदर करेंगे और उनको असत्य से छुड़ा करके सत्य ज्ञान की पहचान उनके ग्रंथों के प्रमाण से कराएंगे। इस मंत्र पर किसी की निंदा नहीं होगी, किसी का खंडन नहीं होगा, सबको पार ब्रह्म सच्चिदानंद का एक ज्ञान जो श्री नाथनाथी वो अक्षातीत जो सबके धनी मालिक है उसकी पहचान और उसका कार्य, उनकी किरणें, सूरज का प्रकाश कौन किया करता है, सूरज की किरणें, ये आत्माएं जो है जिनको सुहागिन नारद ऋषि ने कहा है ये पार ब्रह्म की किरण, ये देह उनका छठे दिन में जाहिर करें जो जाहिर यहां करके चले और उनको जाहिर करने के लिए कष्ट तो आए, क्योंकि उधर माया को क्या बल दे रखा है कि इन मोमिनों को मेरे ज्ञान की पहचान कराने देना नहीं, और मोमिनों ने कहा है कि ऐ धनी हम जा करके तुम्हारी पहचान दुनिया को करा दे, उनको असत्य मंडल से छुड़ा करके सच्चिदानंद के धाम की और हकीकत की पहचान कराएंगे। तो अब स्वामी जी छठे दिन में कहते हैं कि है सुंदर साहब ऊपर धर्म की सुहागिन ना आओ और अपने धाम धनी की पहचान कराओ। कौन कराए, जो खुद उनको जानता पहचानता है, जो स्वयं नीम के पत्ते को फाड़ कर जाग चुका है, वो भी तो औरों को जगाएगा, जो खुद अभी माया के अंदर सो रहा है, माया को ही ब्रह्म का रूप मान करके माया के लोभ में लालच में मानवता में अभी डूबा फिरता है, वो ना खुद जागा है और ना किसी को जगाता है। इस वास्ते ये जागनी अभियान श्री रामनाथ जी की वाणी के अनुसार से वही गर्जना वही कर रही है कि जागो अने जगाओ, तो वही परम धाम के सुहागिन नाल कह जाओ, जो सुंदर साथ को जागो अने जगाओ, सो परम धाम में सुहागिन नाल कह जाओ, और धनी के सम्मुख होकर के अपने धनी से मीठी मीठी बातें करो। ये है दोन मोल जिलवा पकड़ और देसी सुख सबन सारे विश्व हो, अखंड करना ईश्वरी सृष्टि को शुद्ध लेना और ब्रह्म सृष्टि को निज घर के धाम धनी की पहचान करा के धन ले चलना, यही स्वार्थनाथ के लक्षण है।